हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होम टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। मिर्ची के पौधे पे ज़्यादा फ्रूटिंग होने के लिए हमें क्या डालना है कि ऐसे ही मिर्ची लगेंगी? ये देख सकते हैं, इतनी भर भर के मिर्ची आ रही है। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, अभी तो मिर्चियाँ और अच्छे से आने चालू हो रही हैं। बस हमें जब गमला बनाते हैं तभी हमें मिट्टी बेस अच्छा बनाना है, तभी इतनी भर भर के मिर्ची आ रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मिर्चियाँ बन रही है, आ रही है। फ्लावर्स भी नए नए खिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहले तो जब मिर्ची का प्लांट छोटा रहता, मैंने शुरू से बताती हूँ, जब मिर्ची के प्लांट छोटे रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है छोटा सा मिर्ची का प्लांट। जब मिर्ची का प्लांट इतना बड़ा हो जाता है ना, हमें पिंचिंग करते रहना है, इसको 2G कटिंग भी बोलती है। और ये मिर्ची है, आम मिर्ची जैसी नहीं है, ये बहुत ही अलग टाइप की मिर्ची है। एक राउंड शेप वाली मिर्ची है जो बहुत ही तीखी रहती है। तो मैंने ये मिर्ची का प्लांट्स लगाया है, बीज से ग्रो किया है, सीड से। तो ये देख सकते हैं, यहाँ इतना बड़ा होने के बाद हमें क्या करना है, ऐसे पिंच करते रहना है। पिंच करने से क्या, इसको 2G कटिंग भी बोलते हैं। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते इसको ऐसी ब्रांचेस आ जाएगी। ब्रांचेस आने के बाद ये प्लांट बूसी बनता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इतना घना प्लांट हो रहा है। मैं हमेशा मिर्ची के प्लांट्स को हमेशा मैं पिंचिंग करती रहती हूँ। आज देखिए ये प्लांट्स इतना बढ़िया हो रहा है और इसको फ्लावर्स भी बहुत आ रहे हैं और इस पर देखिए मिर्चियाँ भी बहुत लगी है। ऐसे 2G 3G कटिंग करने से ये प्लांट्स बूसी बनता है, ब्रांचेस बनते हैं। तो और बेस तो हमें मिट्टी जब बनाते हैं तो वेल्डन मिट्टी बनाना है, जिसमें गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, अपने घर का किचन वेस्ट हो, रेत हो, ऐसी ही मिट्टी बनाना है। अपनी मिट्टी जब अच्छी रहेगी तो हमारा प्लांट्स भी बहुत ही अच्छा बनेगा। उसके लिए पहले तो गर्मी के मौसम में ये प्लांट बहुत ही सूख गया था, तो मैंने इसमें बहुत ही केयर किए थे, तो मल्चिंग भी किया था इसमें और गोबर की खाद ये सब दिया था। आज देखिए बहुत ही बढ़िया मिर्ची का प्लांट हो रहा है। तो इसमें हमेशा हमें एक एक महीना या 15 दिन के बाद गोबर की खाद देना बहुत ज़रूर रहते हैं। गोबर की खाद देने में इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। और पत्तियां येलो नहीं पड़ती, आप देखिए अंदर से भी कितनी मिर्चियाँ लगी है। ये बहुत ही प्लांट बूसी हो रहा है, आप देख नहीं सकते, बहुत ही अंदर मिर्चियाँ हैं। हेलो फ्रेंड्स, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिर्ची के प्लांट लगे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सब मेरे गर्मी के हैं, कुछ मैंने अभी बारिश में भी सीड से ग्रो किए हैं, वो भी अभी बन रहे हैं ये, लेकिन मेरे लास्ट ईयर के हैं, इसके अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है। ये सब मेरा बेस बहुत अच्छा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मिर्चियाँ इतनी अच्छे से बन रही हैं। अभी क्या बारिश का मौसम है, अभी हम जो खाद डालेंगे तो जो भी हम लोग खाद डालते हैं वो सब पानी से बह जाता है। तो अभी कुछ दिन के बाद अपने प्लांट्स को खाद देना है। जब भी हम खाद देंगे तो गुड़ाई करके ही देना है। अभी जस्ट कल बहुत बारिश हुआ हमारे यहाँ, मेरा सब कंपोस्ट जो है पानी से पूरा बह गया है। सिर्फ अपना कंपोस्ट बचा, जो भी मेन उसमें न्यूट्रिशन जो थे पानी अपने खाद में, सब पानी से बह गया है, क्योंकि बहुत ही ओवरफ्लो हो गया था हमारा टेरेस गार्डन। तो अभी बारिश में अभी खाद मत दीजिए, क्योंकि पानी से वो बह जाता है। जब बारिश रुक जाती है उसके बाद आप खाद दीजिए, लेकिन खाद देने के पहले आपने को पहले गुड़ाई करना है, मिट्टी ऊपर नीचे करना है, उसके बाद खाद देना है। आप देख सकते हैं ये इतना घना प्लांट्स हो गया, मैं गुड़ाई भी नहीं कर सकती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स बन रहे हैं। तो ऐसे ही मिर्ची आते रहेंगी और बस हमें पिंचिंग करते रहना। अभी देखिए फ्लावरिंग हो रहा है, अभी हम पिंचिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। पहले जब प्लांट्स को मिर्ची बनने के पहले हमें 2G 3G कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना पहले कटिंग करेंगे उतने मिर्चियाँ लगेंगे। आप देख सकते हैं नीचे से बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है और एक उचित दिन का रिजल्ट है। अपने बेस जब अच्छा रहेगा ना, तो हमें बार बार कोई भी लिक्विड खाद या गोबर की खाद देने की गरज नहीं है। मैं सिर्फ मिट्टी अच्छी बनाती हूँ और मैं इतनी गुड़ाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बास्केट में इतनी गुड़ाई नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी बन जाते हैं और रूट्स भी टूट सकते हैं। तो जब अपनी मिट्टी पोरस रहती है ना कंपोस्ट से,
तो गुड़ाई करने की गरज नहीं रहती है। जो हम लोग सीधा मिट्टी डालते हैं तो वह हार्ड हो जाती है, तो हमें गुड़ाई करना पड़ता है तभी ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन हम कंपोस्ट से ही सिर्फ अपना गार्डनिंग करते हैं तो वैसे ही वो पोरस हो जाती है मिट्टी, तो इतनी बार बार हमें गुड़ाई की भी गरज नहीं रहती है। तो इसीलिए हमें वेल्डन मिट्टी पहले से बना के रखना है, फिर बार बार हमें ऐसे कुछ करना नहीं पड़ता है। जब प्लांट्स में जब कीड़े रहते हैं तो ये दही का छाछ, मैंने थोड़ा सा दही का खट्टा पानी लिया, छाछ लिया है और कुछ मैंने अपना पानी लिया है, बस ऐसे स्प्रे करने से भी जैसे इसमें कीड़े भी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत कीड़े आ जाते हैं तो ये कीड़े इससे मर जाते हैं। या नींबू का ऐसा पतला पानी, जैसे छिलके रहते हैं नींबू के भिगोए, ऐसा भी नींबू का जब पतला पानी भी हम स्प्रे करते हैं ना तो उससे भी कीड़े मर जाते हैं, तो मैं अक्सर करती हूँ। ऐसे बहुत ऐसे रहते हैं अपने घर में स्प्रे करने के लिए, जैसे नीम ऑयल है शैम्पू वगैरह डाल के, तो मुझे इतनी गरज नहीं पड़ती है। मेरा पहले से बहुत ही हेल्दी प्लांट्स रहता है तो मुझे बार बार ये सब यूज़ करने की गरज नहीं पड़ती है। जब मौसम में कुछ बदलाव आ जाता है तभी कीड़े पड़ते हैं। अभी तो मौसम इतना अच्छा हो गया है कि मिर्ची में कुछ भी ऐसा बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही हेल्दी प्लांट्स बन रहा है। बस हमें थोड़ी केयर करना है, धूप के दिनों में थोड़ा सा पानी देते रहना है, अभी तो बारिश का दिन है पानी की भी इतनी गरज नहीं है। बस अभी तो बहुत ही कम इसके मेंटेन करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी सिर्फ मिर्चियाँ खाने का टाइम आ रहा है, जितनी हमने केयर करना था उतनी कर ली है, बस अभी हमें मिर्ची का स्वाद चखना है बस। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो नए आए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा।